Hi students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 12 exercise 1.1 question number 9 to 16. So chaliye question number 9 dekhte hain. So that each of following relation are in the set A is equal to x belongs to z such that 0 जो x की वैल्यू होगी वो लेस और इक्वल टू होगी 0 एंड ग्रेटर सॉरी x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर और इक्वल टू होगी 0 और लेस और इक्वल टू होगी 12, ठीक है ना. गिवन बाय फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. ए बी सच दैट a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये क्वेश्चन गिवन है, ये रिलेशन गिवन है. सेकेंड रिलेशन गिवन है r इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना. चलिए हम लोग फर्स्ट को देखते हैं. जो फर्स्ट है आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी. अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन और ऐड कर दिया है यहाँ पे. सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच रिलेटेड टू 1. ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 ऐसे लिखिएगा. ये क्वेश्चन आगे है यानी कि उन सभी एलिमेंट्स का सेट फाइंड करना है जो कि रिलेटेड टू 1. लास्ट में क्वेश्चन में ऐड किया है. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. मीन्स ए की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है, 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर है और लेस और इक्वल है 12 के. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 0 से 12 तक है, ठीक है ना, ठीक है ना. तो आर क्या है, आर इन सेट ए मीन्स आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. आर क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा. तो हमने क्या किया, देखिए 04 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा जो कि 4 का मल्टीपल्स होगा 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, 4 का मल्टीपल्स होगा 26, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, 4 का मल्टीपल्स होगा. यानी कि जो भी नंबर है, जितने भी नंबर हैं, सबको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा जो कि 4 का मल्टीपल्स होगा. लेकिन ये देखिए, ये वाली लाइन देखिएगा ये, ठीक है ना. 00 को जब हम लोग माइनस करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा. 11 को माइनस करेंगे 0 आएगा. 22 को माइनस करेंगे 0 आएगा. तो 0 भी क्या है, 0 भी 4 का मल्टीपल्स है. यानी 0 हर एक नंबर का मल्टीपल्स होता है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, डबलेट भी सबके लिख दिए हैं, ठीक है ना. तो आप पूरा देख लीजिएगा, जो भी आप लिखा है, जो भी ऑर्डर पेयर आप उठाएंगे, सभी ऑर्डर पेयर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 4 का मल्टीपल्स होगा. जैसे 91 को अगर मैं ले लिया तो 9 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा. 8 4 का मल्टीपल्स होगा, राइट, यानी डिवाइड हो जाएगा. चलिए तो इतना आप लोगों ने देख लिया, तो ये ऑर्डर पेयर लिख लीजिएगा. आगे भी कोई ऑर्डर पेयर हो सकता है तो अपना लिखिएगा, ठीक है. चलिए हम लोग को देखना है सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं. हम लोग लिखेंगे फॉर सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन है फॉर एवरी एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू ए. इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं आगे, जब ए बिलोंग्स टू ए है इसका मतलब ए कॉमा ए, जो ए कॉमा ए होगा वो बिलोंग्स टू आर होगा. ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा. क्यों ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, क्योंकि एस द मॉड ऑफ ए माइनस ए विल बी 0 विच इज मल्टीपल्स ऑफ 4 which is multiples of 4, जो कि 4 का क्या है, मल्टीपल्स है, ठीक है ना. 4 का क्या है, मल्टीपल्स है, ठीक है ना. चलिए
यानी कि जीरो क्या है, फोर का मल्टीपल से इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। चलिए रिफ्लेक्सिव है वो आप लिख लीजिएगा, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, इसके नीचे ही आप सॉल्व कीजिएगा। आगे अगर मान लीजिए a माइनस बी, सॉरी ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फोर, जो कि फोर का मल्टीपल होगा, इज मल्टीपल ऑफ फोर, ऑफ फोर इज मल्टीपल ऑफ फोर, ठीक है ना। चलिए ये फोर का मल्टीपल है, इट मीन्स मतलब जब ये फोर का मल्टीपल है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं b माइनस ए मॉडुलस ऑफ b माइनस ए इक्वल टू b माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ फोर, ये भी क्या होगा, फोर का मल्टीपल होगा। इम्प्लाइज दैट इट मीन्स क्या हो गया, जो बी ए है, जो बी ए होगा वो भी बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। यानी कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी आएगा वो क्या होगा, फोर का मल्टीपल होगा, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और क्या है, मॉडुलस जब ये फोर का मल्टीपल है तो इसको अगर आप पलट दीजिए, पलट करके भी सब्ट्रैक्ट कीजिए तो बी माइनस ए आएगा, जो कि ये भी क्या होगा, फोर का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। बात रही अगर साइन की, तो मॉडुलस क्या करेगा, माइनस साइन को हटा देगा, ठीक है ना। तो जब ये भी फोर का मल्टीपल है, इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा। इट मीन्स ये क्या है, सिमेट्रिक है। ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है, ये सिमेट्रिक है, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, या मैं मान लेता हूं, मान लेते हैं हम लोग, लेट ए कॉमा बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा बताइए, इसका मतलब ये होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फोर, मल्टीपल ऑफ फोर, फोर का मल्टीपल होगा। तो ये जो बी सी है, तो बी माइनस सी, बी माइनस सी इक्वल टू बी माइनस सी, बी माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ फोर, ये भी क्या होगा, फोर का मल्टीपल होगा, ये भी क्या होगा, फोर का मल्टीपल होगा। जब ये भी फोर का मल्टीपल होगा, ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जब आप ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये कैंसिल कीजिए, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस सी, क्या आएगा, ए माइनस सी, ठीक है ना। और ए माइनस सी कैसे आएगा, ए माइनस सी मॉडुलस कर देंगे, मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी, तो ए माइनस सी जो कि क्या है, इज मल्टीपल्स ऑफ फोर, ये भी क्या होगा, मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ फोर, ये भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ फोर होगा। मतलब क्या होगा बताइए, इक्वल टू यहाँ पे आप जीरो लिखिएगा, विच इज मल्टीपल ऑफ फोर, मल्टीपल ऑफ फोर, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब a माइनस सी मल्टीपल ऑफ फोर, इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा,
ए माइनस सी मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ए सी भी बिलोंग करेगा किससे, आर से। ए सी क्या करेगा, आर से बिलोंग करेगा, ए सी क्या करेगा, आर से बिलोंग करेगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, यानी कि ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी है, ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है ना, ये ट्रांजिटिव है। अब लास्ट में क्या कर रहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, यानी कि हम लोग लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इज वन फाइव एंड नाइन होगा। कैसे 1, 5, 9 होगा, अगर 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा, 4 का मल्टीपल्स होगा, 1 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा जो कि 4 का मल्टीपल्स होगा, 1 और 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो क्या आएगा, 8 आएगा जो कि 4 का मल्टीपल्स होगा, यानी कि अगर हम इस 1 का तीनों से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 का मल्टीपल्स ही आएगा, ठीक है ना, इसलिए ये सेट होगा 1, 5, 9, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम लोग देख लेते हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, गिवन दैट कि ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, ए बी सच दैट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए इधर पूरा, ठीक है, ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, चलिए नेक्स्ट देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, राइट, इट इज गिवन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो फॉर एवरी एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ए क्या होगा, ए बिलोंग्स टू आर होगा, क्यों, क्योंकि ए खुद के इक्वल नहीं हो सकता है, ए खुद के इक्वल होगा ना, तो एस ए इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, यानी कि क्या है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, चलिए ये रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, आगे हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू बी होगा, जब ए इज इक्वल टू बी यानी कि बी इज इक्वल टू ए हो सकता है, दैट इज बिलोंग्स, बी इज इक्वल टू ए हो सकता है, इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया कि ए इक्वल टू बी है एंड बी इक्वल टू सी है, ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू सी होगा कि नहीं, इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू सी होगा कि नहीं होगा, ए इक्वल टू सी होगा, जब ए इक्वल टू सी होगा इसका मतलब ये लिख सकते हैं ए सी बिलोंग्स टू आर, तो जब ए सी बिलोंग्स टू आर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्या है ट्रांजिटिव है, ये क्या है
ट्रांजिटिव है। चलिए आगे आगे क्या कह रहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अच्छा अगर ये पूछेगा क्या ये और ये दोनों इक्विवेलेंस हैं, तो आप लिखिएगा यस यस द रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ठीक है ना। यस इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। जहां पर हम लोग को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों मिलते हैं तो वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए चलिए आगे है, देखिए फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स और एलिमेंट्स एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, रिलेटेड टू वन इज क्या होगा, वन होगा। यानी कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इज सेट वन होगा, क्या होगा, सेट वन होगा। यानी कि ये होगा, यानी कि मतलब क्या, वन वन के इक्वल होगा, वन वन के इक्वल होगा, वन टू के इक्वल तो नहीं हो सकता, वन थ्री के इक्वल नहीं होगा। तो इसीलिए क्या पूछ रहा है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, तो वन से रिलेटेड वो सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, वन होंगे, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर नाइन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टेन, गिवन एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। हम लोग का एग्जाम्पल लिखना है बस। चलिए तो फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट का एग्जाम्पल सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अगर मैं मान लू, अगर मैं मान लू लेट ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन, ए इज इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन, एक कोई सेट है हमारे पास, उसके एलिमेंट्स क्या है, फाइव सिक्स सेवन है। तो अगर हम लोग इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, तो क्या होगा, तो आर इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऐसा एग्जांपल देना है जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्शन ना हो, ट्रांजिटिव ना हो, तो वो सभी नंबर आ जाए इसमें, जैसे कि फाइव सिक्स, फाइव सिक्स, फाइव सिक्स एंड सिक्स फाइव एंड सिक्स फाइव, सिक्स फाइव। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, फाइव सिक्स वन वन, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स सेवन सेवन, डबलेट तो है नहीं, जब डबलेट नहीं है, यानी कि जब डबलेट है ही नहीं, ए क्रॉस ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, बोलिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, डबलेट है ही नहीं। चलिए आगे क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू, यानी कि ऐसे रखिएगा, फाइव सिक्स, फाइव सिक्स बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज दैट सिक्स फाइव आल्सो बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक है। चलिए आगे सेवन है, सेवन सॉरी आगे देखिएगा, फाइव सिक्स है, सिक्स फाइव है, ए बी है, ए बी है, बी सी है, लेकिन क्या है, ए बी है, यानी कि फाइव सिक्स है, फाइव सिक्स बिलोंग्स टू आर है एंड सिक्स फाइव बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज दैट ए सी बी होना चाहिए, तो ए सी क्या है, फाइव फाइव, ए और सी फाइव फाइव, तो फाइव फाइव होना चाहिए, लेकिन यहाँ फाइव फाइव है नहीं, तो फाइव फाइव नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये था फर्स्ट का एग्जाम्पल, ठीक है ना। चलिए सेकेंड का एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब आप पूरा अपने से लिखिएगा, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ना ही रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही सिमेट्रिक होगा। चलिए लिख लेते हैं, सेकेंड हम लोग वही सेट लेते हैं, ए इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन, हम लोग यही लेंगे, तो यहां आप क्या लिखेंगे, फाइव सिक्स, सिक्स फाइव और क्या होगा, फाइव फाइव,
नहीं ऐसा नहीं लेते हम लोग, 5 6 ले लेते हैं और बोलिए 6 7 6 7 एंड 5 7 राइट, क्या हो जाएगा 5 6 6 7 एंड 5 7 राइट, ये हो जाएगा ठीक है ना, ये हो जाएगा आर इक्वल टू, जब 5 6 है ए बी है, देखिए यहाँ पर डबलेट तो है नहीं, जब डबलेट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ठीक है ना, लिखिएगा आप ऐसे ही लिखिएगा पूरा ठीक है ना, जब डबलेट नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, अब क्या ए बी नहीं है, ए बी यानी 5 6 5 6 है ना, 6 5 है क्या, नहीं है, उसका अपोजिट नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है ठीक है ना, चलिए ट्रांजिटिव बात करते हैं, 5 6 है ए बी है, ए बी है बोलिए 5 6 है, 5 6 बिलोंग्स टू आर और एंड 6 7 6 7 बिलोंग्स टू आर, तो 5 7 भी, 5 7 भी आर से बिलोंग करना चाहिए, ए सी ए सी, तो 5 7 भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तो 5 7 है कि नहीं, तो इम्प्लाइज दैट 5 7 आल्सो बिलोंग्स टू आर ठीक है ना, ठीक है ना, यानी कि ये क्या हो गया ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो गया। चलिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड देखते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, चलिए थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट a इक्वल टू 5 6 7 5 6 7 क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए इसका मतलब सभी के डबलेट होने चाहिए, तो बोलिए क्या होगा, सभी के डबलेट होने चाहिए मतलब कि क्या होगा, 5 5 होगा, 6 6 होगा, बोलिए 7 7 होगा, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया, 7 7 हो गया, और बताइए, और 5 6 होगा, 6 5 होगा, 7 6 7 होगा और 7 6 होगा, बोलिए क्या होगा, 7 6 होगा ठीक है ना चलिए, सभी के डबलेट हैं तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 5 5 6 6 और 7 7 बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है राइट चलिए, अब 5 5 है, 6 6 है, 7 7 है, 5 6 है, 5 6 का, 5 6 का अपोजिट 6 5, 6 6 7 है, इसका अपोजिट 7 6 भी है ठीक है ना, यानी कि क्या है, ट्रांजिटिव भी है, यानी कि क्या है, ट्रांजिटिव भी है, यानी कि हम लोग मान लें ए बी बिलोंग्स टू आर है तो देन बी ए बिलोंग्स टू आर भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक भी है, क्या है, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, चलिए यहां तक तो हम लोग को बात ही नहीं करना है, ये अपने आप में ट्रांजिटिव होता है, चलिए आगे हम लोग बात करें, 5 6 है तो 6 7 भी है, अरे 5 6 है तो 6 7 भी है, अब क्या चाहिए, 5 7 चाहिए, क्या 5 7 है, 5 7 नहीं है, जब 5 7 नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 5 6 बिलोंग्स टू आर एंड 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 क्या एंड 6 7 बिलोंग्स टू आर बट 5 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 5 7 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, समझ में आ गया ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया, नोट डाउन कर लीजिए उसको भी, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, चलिए देख लेते हैं ये भी, चलिए वो पहले से आप इसमें लिखेंगे a इक्वल टू 5 6 7, चलिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए मतलब कि सभी की डबलेट होनी चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए, 7 7 होना चाहिए, और बताइए, और 5 6 हो जाए, 6 7 हो जाए, और क्या हो जाए, 7 6 हो जाए, ठीक है
चलिए यहाँ पे सभी के डबलेट हैं, सभी के डबलेट हैं, अगर सभी के डबलेट हैं तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 5 6 6 और क्या 7 7 7 7 बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दैट इज इट इज रिफ्लेक्सिव, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर 5 6 है, 6 5 है नहीं, तो हम लोग लिखेंगे 5 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, क्या सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में यहाँ तक तो हम लोग को बात ही नहीं करनी है, तो 5 6 है, ए बी है, बोलिए ए बी है, बी सी है और ए सी है, ए बी है, बी सी है और ए सी भी मिल गया। जब ए बी बी सी और ए सी, सॉरी ए सी ऐसे नहीं, हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे 5 और 7, ठीक है ना, इसको चेंज कर देते हैं, ए बी है, बी सी है और ए सी है, 5 7, ठीक है ना। जब ये पूरा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है, तो हम लोग लिखेंगे 5 6 है और क्या है, और क्या है, 6 7 बिलोंग्स टू आर है, देन 5 7 बिलोंग्स टू आर भी है, यानी कि ये क्या है, ट्रांजिटिव, क्या है, ट्रांजिटिव है। तो क्या लाना, तो उनको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो, देखिए रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग 5 6 और क्या होगा 6 5, सिमेट्रिक हो गया, और क्या लिख ले 5 6 6 5 और 5 5, ठीक है ना, ठीक है ना। आप आराम से बैठ करके बनाइएगा, ये तो मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं, ठीक है ना, आप आराम से बनाइएगा। ए बी है तो उसका अपोजिट ये भी है, 5 5 है तो 5 5 का अपोजिट 5 5 है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, ये क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, और रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, डबलेट है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, आप लिख लीजिएगा अपने से। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की बात करें 5 6 है और 6 5 है, 6 5 है तो क्या, तो 5 5 भी है, 5 5 भी है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव। हमको कैसे एग्जांपल चाहिए था, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव नहीं हो, तो ये है एग्जांपल, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय पी क्यूब सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग को प्रूव करना है, हम लोग को ये प्रूव करना है कि आर इक्वल टू, यानी कि अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं, ये जो यहाँ से ये पूरा लिखा हुआ है ये लाइन, अगर मैं इस लाइन को, इस लाइन को शॉर्ट में लिखूं, तो इसके कहने का मतलब ये है आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू सच दैट, पी क्यू सच दैट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है ना, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, यही कहने का मतलब है, क्योंकि ओरिजिन से, ओरिजिन से पी की डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस,
इसका मतलब क्या हो गया ओपी इक्वल टू ओक्यू। और सिंह क्या होता है जीरो जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो जीरो का मान लीजिए ओपे है तो ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओक्यू, यानी कि ओरिजिन से पी की डिस्टेंस इक्वल टू होगी ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस के, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर होगा, पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर होगा फॉर ऑल, फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, बिलोंग्स टू आर होगा फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू ए। क्यों बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि जो पी की डिस्टेंस होगी, क्योंकि जो पी की डिस्टेंस होगी तो पी इक्वल टू ओपी होगी, यानी कि पी की डिस्टेंस ओरिजिन से, पी की डिस्टेंस ओरिजिन से खुद की इक्वल होगी कि नहीं, अरे ओरिजिन से पी की जो डिस्टेंस होगी खुद की इक्वल हो सकती है, इसलिए पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है रिफ्लेक्सिव है, ये क्या है रिफ्लेक्सिव है, चलिए ये रिफ्लेक्सिव है। चलिए आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव की, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर, पी क्यू बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया ओपी इक्वल टू ओक्यू होगा, यानी ओपी की जो डिस्टेंस होगी ओक्यू की डिस्टेंस इक्वल होगी, जब ओपी की डिस्टेंस ओक्यू की इक्वल होगी इसका मतलब ओक्यू इक्वल टू ओपी भी तो हो सकता है, बोलिए हो सकता है, जब ये हो सकता है इसका मतलब क्या क्यूपी, क्यूपी बिलोंग्स टू आर, क्यूपी बिलोंग्स टू आर, जब क्यूपी बिलोंग्स टू आर होगा इसका मतलब क्या होगा ट्रांजिटिव, लीजिए ये ट्रांजिटिव भी हो गया, सॉरी सिमेट्रिक, सॉरी सॉरी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग देखेंगे पी क्यू बिलोंग्स टू आर मीन्स ओपी इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं क्यू आर, पी क्यू हो गया आर को नहीं लेंगे, क्यू एस लिख लेते हैं, क्यू एस मान लेते हैं, मान लेते हैं ऐसे लिखिएगा पी क्यू और क्यू एस, क्यू एस बिलोंग्स टू आर, लेट मानता हूं पी क्यू और क्यू एस आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मतलब ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ क्यू हो जाएगा, एंड ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ एस हो जाएगा, राइट। जब ओपी इक्वल टू ओ क्यू है और ओ क्यू इक्वल टू ओ एस है, इसका मतलब ओपी इक्वल टू ओ एस भी होगा, बोलिए ओक्यू ओ एस की इक्वल है तो इसका मतलब ओपी इक्वल टू, देखिए ओपी ओक्यू की इक्वल है वही ओक्यू ओ एस की इक्वल है, तो ये बताइए ओपी ओ एस की इक्वल होगा कि नहीं, तो इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ओपी इक्वल टू क्या होगा ओ एस होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पी एस बिलोंग्स टू आर, पी एस क्या करेगा आर से बिलोंग करेगा, जब आर से बिलोंग करेगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये क्या है ट्रांजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इट मीन्स, इट मीन्स इट इज, इट इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए ये इतना हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, आगे हम लोग पढ़ते हैं, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी डज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज एज अ सेंटर, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या समझिएगा, जो मैं बोलूंगा मुंह से, जो मैं बोल रहा हूं अब वो ध्यान समझिएगा तभी इसका मतलब समझ में आएगा। कह रहा है कि इसमें कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट्स पी डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इसमें ये कह रहा है कि पी डज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो से रिलेटेड रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स का सेट, उन सभी पॉइंट्स का सेट हम लोग को दिखाना है जो कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर, यानी कि वो सभी पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, अगर उन सभी पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे
तो वो सभी पॉइंट्स एक सर्कल का फॉर्म बना रहे हैं, एक सर्कल का फॉर्म बना रहे हैं, जो कि वो सर्कल पॉइंट पी से पास हो रही है, पॉइंट पी से पास हो रही है, और उसका सेंटर क्या है, उसका ओरिजिन है। नहीं समझ रहे, समझिएगा ध्यान से, यानी कि P does not equal to zero, zero से related उन सभी points को हम लोग को दिखाना है, उन सभी points को हम लोग को दिखाना है जो कि एक circle का, जो कि point P से pass होती हुई एक circle को बना रहे हैं, जो कि उन सभी points के set को बताना है, उन सभी points के set को बताना है जो कि पॉइंट पी से पास होने वाले एक सर्कल के फॉर्म को दिखा रहा है, और उस सर्कल का जो ओरिजिन है वो क्या है, सेंटर है। उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। मतलब समझिएगा, मतलब ये कहने का मतलब कुछ भी न मत समझिए, देखिए बस इजी तरीके से। अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पॉइंट क्यू है, यहाँ पॉइंट एस है, तो इन सभी क्या है, सभी पॉइंट को, जो सभी पॉइंट है, सभी पॉइंट का जो सेट होगा, सभी पॉइंट के सेट को अगर हम लोग मिलाएंगे तो एक सर्कल बनेगा। बोलिए, एक सर्कल बनेगा, और वो सर्कल कहाँ से होगा, पॉइंट पी से पास होगा। देखिए पॉइंट पी से पास हो रहा है, और उसका जो ओरिजिन होगा, यानी कि जो सभी पॉइंट बने हुए है उनका जो ओरिजिन जीरो जीरो है, वो ओरिजिन क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, तो उन सभी पॉइंट्स को हम लोग को दिखाना है जो कि पी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आपको लिखना है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P does not equal to 00, P does not equal to 00, और क्या होगा, will be those points whose distance from the origin whose distance from the origin as same the distance of P from the origin, यानी कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी डज नॉट इक्वल टू विल बी, वो सभी पॉइंट्स होंगे जो जी की डिस्टेंस ओरिजिन से ओ पी की डिस्टेंस के इक्वल है, जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से ओ पी की डिस्टेंस से इक्वल है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, अब आप इतना नोट डाउन कीजिए, मुझे इरेज करने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए, अब मैं इतना इरेज करता हूँ, ठीक है, ठीक है ना। इसी के नीचे आपको लिखना है, इसी के नीचे लिखना है, अगर हम लोग मान लें लेट ओ इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो एज सेंटर, क्या हो गया, इस सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है ना, सेंटर हो गया। और ओपी इक्वल टू क्या मान लें, ओपी इक्वल टू ए, अगर ओपी इक्वल टू, यानी ओपी का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या मान लें, तो सबकी डिस्टेंस क्या होगी, ए होगी। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं the set of all points will be a from the origin
यानी कि सभी जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स का यानी कि सेट के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक ए ही तो होगा। जब इसका ए है तो सभी का क्या होगा, डिस्टेंस ए होगा, सभी का डिस्टेंस ए होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑल पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इज द फॉर्म ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड क्या, ओरिजिन एज सेंटर, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, सो दैट ऑल द रिलेशन आर डिफाइंड एज द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इक्वल टू T1 एंड T2 सच दैट टी इज सिमिलर टू T2 एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम लोग इतना सॉल्व करते हैं, फिर बाद में इसकी बात करते हैं। ये क्या एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन है लिखेंगे और आर लिखेंगे क्या, आर गिवन है T1 एंड T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। T1 क्या है, T2 के सिमिलर है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये क्या करेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि T1 यानी कि कोई भी अगर T1 ठीक है ना, कोई भी अगर ट्रायंगल होगा तो वो ट्रायंगल खुद के सिमिलर होगा, ठीक है ना, खुद के सिमिलर तो हो सकता है ना, बोलिए। तो बिलोंग्स टू आर T1 बिलोंग्स टू A होगा, यानी कोई भी ट्रायंगल खुद के ट्रायंगल क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। तो आप लिखिएगा T1 क्या होगा, T1 के सिमिलर होगा, T1 सिमिलर टू T1, ठीक है ना। ये आपको तो यानी कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। चलिए ये रिफ्लेक्सिव है, ये हम लोग को मालूम हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो T1 T2 बिलोंग्स टू R, यानी कि इसका मतलब क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2। तो जब T1 T2 के सिमिलर है, इसका मतलब T2 इज सिमिलर टू T1। तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा, इम्प्लाइज दैट इट मीन्स T2 और T1 आल्सो बिलोंग्स टू R, यानी कि क्या है, सिमेट्रिक है, ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। चलिए अब हम लोग ट्रांजिटिव देख लेते हैं। तो T1 T2 क्या है, मान लेता हूं T1 T2 T3 बिलोंग्स टू R, ये R से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा कि T1 इज सिमिलर टू T2 T3 के सिमिलर होगा। जब T3 के सिमिलर होगा तो इम्प्लाइज दैट इसका मतलब क्या है, T3 के सिमिलर होगा। इसका मतलब क्या होगा, T1 और T3 बिलोंग्स टू क्या होंगे,
आर होगा। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव बी है, ये क्या है, ट्रांजिटिव बी है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्या है, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बोलिए ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए अब आगे आपको क्या करना है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, कंसीडर थ्री ट्रायंगल्स। हमारे पास थ्री ट्रायंगल है, T1 की जो साइड है 3, 4, 5, T2 की साइड 5, 12, 13 एंड T3 की साइड क्या है 6, 8, 10 है। दिस ट्रायंगल सेमन T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड, यानी कि इन तीनों ट्रायंगल में से कौन सा ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेटेड है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो वही ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेटेड होगा जिस ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, सेम आएंगे। जिस ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, सेम आएंगे, वो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा। ठीक है ना, तो आप इतना इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें आप इसी के नीचे सॉल्व कीजिएगा जो मैं आगे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। नाउ बी ऑब्जर्व दैट क्या, देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये इससे डिवाइड हो गया, ये भी इससे डिवाइड हो गया, ये भी इससे डिवाइड हो गया, और इन सबके डिवाइड का कोई वो वन ही नहीं रहा है। ठीक है ना, यानी कि T1 और T3 को लेंगे तो देखेंगे 6 upon 3 8 upon 4 = 10 upon 5 3 4 5 10 upon 5 = क्या होगा, 1/2 होगा। यानी कि हम लोग ये देख रहे हैं कि T1 और T3 क्या है, आर सिमिलर। लिखेंगे क्या, लिखेंगे रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल T1 and T3 रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल T1 और T3 आर इक्वल, इनके जो रेशियो है इक्वल है। इसका मतलब क्या, इनके रेशियो इक्वल है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि T1 क्या है, T1 इज रिलेटेड टू T3, T3 के रिलेटेड है, यानी कि T1 इज सिमिलर टू T3। इसको पहले लिखिएगा फिर इसको लिखिएगा। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, सो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज आर इक्वल टू P1 and P2 सच दैट P1 and P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हम लोग इतना सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है ना चलिए हम लोग इसको पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे P1, पहले आप लिख लीजिए ये T1 T2 सच दैट P1 and P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग लिखेंगे क्या, P1 belongs to R होगा, क्योंकि P1 क्या है, एक पॉलीगॉन है, तो पॉलीगॉन के साइड्स का नंबर खुद के पॉलीगॉन्स के साइड के नंबर इक्वल होगा। तो इसीलिए फॉर ऑल P1 belongs to A। ठीक है ना आप यहां लिख लीजिएगा एज नंबर ऑफ साइड्स
नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पी वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पी वन, यानी पी वन खुद के पॉलीगॉन्स के नंबर ऑफ साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए, यानी कि क्या है ये, क्या है रिफ्लेक्सिव है, ये क्या है रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। चलिए आगे देख लेते हैं, टी वन टी टू बिलोंग्स टू आर, यानी कि पी वन एंड पी टू हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि पी वन और पी टू के सेम नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि पी वन एंड पी टू हैव सेम नंबर ऑफ साइड, तो पी टू एंड पी वन, जब पी वन पी टू के सेम नंबर ऑफ साइड है तो पी टू और पी वन के भी सेम नंबर ऑफ साइड होंगे, हैव सेम नंबर ऑफ साइड। इट मीन्स पी टू पी वन बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, पी टू पी वन भी आर से क्या करेगा बिलोंग करेगा, मतलब कि ये क्या है सिमेट्रिक भी है। चलिए आगे देखते हैं, पी वन पी टू बिलोंग्स टू आर, लेट पी वन पी टू एंड पी टू पी थ्री बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया पी वन एंड पी टू हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो क्या होगा पी टू एंड पी थ्री हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसके भी सेम नंबर ऑफ साइड होंगे। जब पी वन पी टू के सेम नंबर ऑफ साइड है, पी टू पी थ्री के सेम नंबर ऑफ साइड है, इसका मतलब पी वन पी थ्री के भी सेम नंबर ऑफ साइड होंगे, तो हम लोग लिखेंगे पी वन एंड पी थ्री हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इट मीन्स वॉट यानी कि ये क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि पी वन पी थ्री बिलोंग्स टू आर, पी वन पी थ्री भी क्या करेगा आर से बिलोंग करेगा, मतलब कि ये क्या है ये ट्रांजिटिव भी है। क्या है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, इसका मतलब ये क्या है इक्विवेलेंस है। ये क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे देखिए, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल्स टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5, ध्यान समझिएगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को अपने तरीके से बोल रहा हूँ, उसको ध्यान समझिएगा तब समझ में आएगा। थ्री फोर फाइव साइड वाले जो ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है उस ट्रेंगल से रिलेटेड ए है, और उसी ए के सेट्स के एलिमेंट्स क्या होंगे वो पूछ रहा है, समझ में आया। यानी कि 3, 4, 5 साइड वाले ट्रेंगल, यानी ये ट्रेंगल है 3, 4, 5 साइड वाले ट्रेंगल जो कि ए से रिलेटेड है, तो ए के सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे वो पूछ रहा है, समझ में आ गया। यानी 3, 4, 5 साइड वाले जो ट्रेंगल है, जो राइट ट्रेंगल है, वो ए से रिलेटेड है, तो ए के सेट्स के एलिमेंट्स क्या होंगे वो पूछ रहा है, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स क्या होंगे वो पूछ रहा है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसका मतलब सेट ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, 3 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड क्या होगा 3 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल किससे रिलेटेड है, ए किससे रिलेटेड है, राइट ट्रायंगल से। जब एक ट्रायंगल से रिलेटेड है, यानी कि सेट क्या होगा, सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, ट्रायंगल ही तो होंगे, बोलिए तभी तो रिलेटेड होगा, ट्रायंगल से रिलेटेड होगा ना। इसमें क्या कह रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ए से रिलेटेड है,
राइट एंगल ट्रायंगल ए से रिलेटेड है, इसका मतलब जो एलिमेंट्स है ए के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, ट्रायंगल है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए यानी कि लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल T3 यानी क्या होंगे T3 और 3 क्या होगा, नंबर ऑफ साइड होगा नंबर ऑफ साइड्स होंगे, ठीक है ना, इज 3। समझ में आ गया, ठीक है। इसका मतलब द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल विल बी ट्रायंगल, यानी क्या होगा वो सभी क्या होंगे, यानी कि जो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स होगा यानी कि जो एलिमेंट्स ऑफ सेट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल है सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो एलिमेंट्स क्या होंगे, हैव सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल यानी कि ऑल ट्रायंगल के सेट होंगे, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, इसको नोट डाउन कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, लेट एल बी सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल, एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एल वन एल टू सच दैट एल वन इज पैरेलल टू एल टू इज एन सो दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन है, सबसे पहले क्या है, हम लोग लिखेंगे आर इक्वल टू एल वन कॉमा एल टू तो सच दैट एल वन इज पैरेलल टू एल टू। एल वन क्या है, एल टू के पैरेलल है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं एल वन बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एल वन बिलोंग्स टू एल, राइट, ठीक है ना। चलिए यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लाइन जो होती है वो खुद की लाइन्स के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो एल वन इज पैरेलल टू फिर से इसको पूरा लिखिएगा आप फिर से, ठीक है ना। यानी कि क्या है, रिफ्लेक्सिव है, कोई भी लाइन खुद के क्या होती है, पैरेलल होती है, इसको अंदर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। चलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब एल वन एल टू बिलोंग्स टू आर, अगर एल वन एल टू के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एल वन पैरेलल टू एल टू, ये पैरेलल साइन है, एल वन पैरेलल टू एल टू। जब एल वन पैरेलल टू एल टू होगा, इसका मतलब एल टू पैरेलल टू एल वन होगा। जब एल टू पैरेलल टू एल वन होगा, इसका मतलब क्या, इट मीन्स दैट एल टू एल वन आल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है कि एल टू और एल वन भी आर से क्या करेंगे, बिलोंग्स करेंगे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि भी क्या है, सिमेट्रिक है। चलिए नेक्स्ट एल वन एल टू लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट एल वन कॉमा एल टू
और एल टू कॉमा एल थ्री बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स एल वन पैरेलल टू एल टू एंड एल टू पैरेलल टू एल थ्री, एल थ्री पैरेलल टू सॉरी एल थ्री. तो वी कैन से दैट एल वन आल्सो पैरेलल टू एल थ्री. इसका मतलब एल वन भी क्या होगा, एल थ्री के पैरेलल होगा. एल वन भी एल थ्री के पैरेलल होगा. इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इज दैट एल वन एंड एल थ्री आल्सो बिलोंग्स टू आर. जब एल वन और एल थ्री क्या है, आर से बिलोंग्स है. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है. यानी कि ये पूरा क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब आगे बात करते हैं. फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4. तो हम लोग लिखेंगे कि द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x, यानी कि द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x विल बी दोज लाइंस, वो सभी लाइंस होंगे बीच आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4. यानी कि वो सभी लाइंस का सेट होगा जो कि 2x प्लस y इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल होगा. क्योंकि पैरेलल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसके पैरेलल वाले वो सभी लाइन होंगे. तो पैरेलल वाले वो सभी लाइन कौन से हैं, तो हम लोग एक चीज देखेंगे. यहाँ पर y इक्वल टू क्या गिवन है, एम एक्स प्लस सी. ये एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में गिवन है. एम हो गया, एक्स हो गया, प्लस सी हो गया. तो एम की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एम की वैल्यू क्या है, टू है. और एम की वैल्यू टू है तो हम लोग लिख सकते हैं पैरेलल लाइंस, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं. स्लोप पैरेलल लाइंस है सेम स्लोप. पैरेलल लाइन के जो स्लोप होते हैं क्या होते हैं, सेम होते हैं. है सेम स्लोप पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो जो पैरेलल लाइन के स्लोप सेम होते हैं, इसका मतलब जो सेट होगा वो क्या होगा. तो लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू given line is given by y is equal to 2x plus c. यानी कि c को हम लोग चेंज करते जाएंगे तो हम लोग को पैरेलल लाइंस मिलती जाएंगी. ठीक है ना, टू तो नहीं चेंज होगा क्योंकि मैं यहाँ बोल दिया सेम स्लोप होते हैं. c को चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग को पैरेलल लाइंस मिलती जाएगी. और सी किससे बिलोंग करेगा, सी बिलोंग्स टू आर होगा. ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट डाउन कर लीजिए. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. देन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज गिवन. लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवेन बाय 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2. मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, आपके बुक में ऑप्शन गिवेन है. तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से रिलेशन है ये. सबसे पहले सभी के डबलेट है 1 2, ये 3 भी और 2 2, सभी के डबलेट है. इसका ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है. ये क्या है,
रिफ्लेक्सिव है। चलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया, अब इन सब की हम बात ही नहीं करेंगे, इन सब की बात ही नहीं करेंगे। अब क्या करते हैं, वन टू का अपोजिट देखते हैं, टू वन है, वन टू का अपोजिट टू वन है ही नहीं, यानी कि इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आगे 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 हम लोग देख लेते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो इन चारों की बात तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो रिफ्लेक्सिव होते हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं, ठीक है ना, इन चारों की बात नहीं करूंगा। वन टू, वन टू है तो टू टू है तो वन टू है, सही है। चलिए वन थ्री की बात करें, वन थ्री है तो थ्री थ्री है तो वन थ्री है, सही है। चलिए थ्री टू, थ्री टू है, थ्री टू है, अब क्या है, टू टू है, बोलिए टू टू है तो टू टू है, चलिए हो गया, यानी कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना, ट्रांजिटिव होगा, यानी कि ऑप्शन वन, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू, बी ग्रेटर देन सिक्स होगा, बी की वैल्यू क्या होगी, सिक्स से ग्रेटर होगी, ठीक है ना, बी की वैल्यू सिक्स से ग्रेटर होगी, यानी कि आप इसको चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, यानी सिक्स एट बिलोंग्स टू आर, सिक्स एट बिलोंग्स टू आर होगा। तो ये था आपका क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.1, जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।